नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और देश की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में सबसे पहले खबर यूपी के बरेली से, जहां एक महिला की हत्या ने सनसनी फैला दी है और उसकी वजह यह है कि इस हत्या का पैटर्न पिछले साल हुई 9 महिलाओं की हत्या से मिलता है। सवाल यह है, कहीं यह मामला सीरियल किलिंग का तो नहीं? हत्या करने का तरीका एक जैसा है, लेकिन पुलिस को शक 3 लोगों पर है। बरेली में 10 महिलाओं के हत्यारे या हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 3 स्केच जारी किए हैं। अगर किसी को इनके बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस को दे सकता है, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। पूर्व में मिले महिलाओं के शव के संबंध में अब तक की गई पुलिस की छानबीन और लोगों से जानकारी प्राप्त करने पर कुछ स्केच जारी किए गए हैं। ये जो 3 स्केच हैं, इनके बारे में यदि किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कोई जानकारी होती है, तो वे दिए गए नंबरों पर पुलिस को सूचित करें। आपकी आइडेंटिटी जो है वह गोपनीय रखी जाएगी। शाही थाना क्षेत्र के बुझिया जागीर गांव में 45 साल की एक महिला अनीता की हत्या के बाद पुलिस फिर सक्रिय हुई। इससे पहले पिछले साल भी 9 महिलाओं की हत्या इसी तर्ज पर हो चुकी है। हत्यारा कोई सुनसान इलाका चुनता है। हत्या गला घोंट कर की जाती है। महिला की साड़ी से ही उसका गला घोंट दिया जाता है। अनीता रुपए पैसे जमा करने और निकालने के लिए अक्सर बैंक आती जाती थी। हत्या वाले दिन भी वो बैंक के लिए ही निकली थी, लेकिन लौटी नहीं। इसलिए एक शक ये भी है कि कहीं पैसों के लिए ही तो हत्या नहीं हुई। लेकिन हत्या के तरीके ने पुलिस को फिर चौकस कर दिया है। इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं उस क्षेत्र के अंदर, जिसमें से कुछ घटनाओं का अनावरण भी हुआ है। तो इसमें हम दोनों ही तरीके से चल रहे हैं कि कौन से केसेस कनेक्टेड हैं, यदि कनेक्टेड हैं तो वो किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, और यदि वो इंडिविजुअल हैं तो उनको इंडिविजुअली उनका अनावरण हो। इसके लिए सादा वस्त्रों में भी टीमें लगाई गई हैं और वर्दी में भी टीमें लगाई गई हैं, और गाँव-गाँव में जाकर भी ये जागरूकता और ये संदेश ये पहुँचाया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वे थोड़ा और सतर्क रहें, और जल्द ही हम इसके अंदर अनावरण करेंगे ये जो केसेस हैं। पिछले साल 5 जून को शाही गांव में कलावती, 19 जून को शाही रोड किनारे धनवती, 30 जून को शाही के आनंदपुर में प्रेमवती, 22 जून को खजुरिया गांव में कुसुमा, 23 अगस्त को ज्वालापुर में वीरवती, 31 अक्टूबर को लखीमपुर में 60 साल की महिला, 20 नवंबर को खरसैनी गांव में दुलारो देवी, 26 नवंबर को जगदीशपुर में उर्मिला के शव मिले थे। सभी की हत्या का तरीका एक जैसा था। इन हत्याओं के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। इलाके में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई थी और करीब 300 जवान महीने भर तक गश्त करते रहे थे। कई संदिग्धों से पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हत्याएं थम गई। लेकिन अब उसी तरह की एक हत्या ने इलाके के लोगों और पुलिस को फिर से परेशान कर दिया है। रणदीप सिंह, बरेली, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर हरियाणा के सिरसा से, जहां डेरा जगमाल वाली के प्रमुख संत बहादुर चंद वकील की गद्दी को लेकर विवाद के बीच आज अंतिम अरदास पर सत्संग में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पिछले दिनों संत बहादुर चंद वकील साहब का निधन हुआ था। उनका पार्थिव शरीर डेरा जगमाल वाली पहुंचने के बाद विवाद शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। हालांकि अब पुलिस का दावा है हालात शांतिपूर्ण है। हमने 15 कंपनी को डिप्लॉय किया, इसमें 2 REF कंपनी है। अभी तक पूरा शांति व्यवस्था बना हुआ, पुलिस पूरा तैयार है और अभी तक सिचुएशन पीस। इस मौके पर डेरा प्रमुख को श्रद्धांजलि देने पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि संत बाबा बहादुर चंद वकील के उनके परिवार के साथ पुराने संबंध रहे हैं। साहब जी, मैं भी
बच्चे भी समय समय पे हम लोग डेरे में आते रहे हैं। यहाँ आकर के गलत सुकून मिलता है। वकील साहब ने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों को दिया, लोगों की बहुत श्रद्धा थी। आज भी आपने देखा है कि हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए, और जिस दिन से उन्होंने जोड़ा छोड़ा उस दिन से लेकर के लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। चौटाला साहब जी, मैं भी, बच्चे भी, समय समय पे हम लोग डेरे में आते रहे हैं। यहाँ आकर के गलत सुकून मिलता है। और अब खबर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मची हलचल की। बांग्लादेश से लगती उत्तरी दिनाजपुर की सीमा पर भारत में आने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। बांग्लादेश के हालात से परेशान वहां के हजारों नागरिकों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, लेकिन बीएसएफ और स्थानीय पुलिस ने सभी को लौटा दिया। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट है। बिहार के किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र की बांग्लादेश से लगती सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आ गए और भारत से शरण मांगने लगे। अधिकारियों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में ये लोग बॉर्डर पर पहुंचे थे। सबकी कोशिश ये थी कि भारतीय सीमा में इनको दाखिल होने दिया जाए, लेकिन आपको बता दें जब से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं, उथल पुथल मची है, अशांति वहां पर फैली है, उसके बाद से तमाम बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, चौकस वो रहती हैं जिससे कि कोई अवांछित तत्व दाखिल ना हो सके भारतीय सीमा में। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष कुमार इस समय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। मनीष, पूरा घटनाक्रम क्या रहा और इस समय क्या स्थिति है? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है। ये दरअसल जब से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुआ है, तब से आप जानते हैं कि बीएसएफ जो है काफी ज्यादा चौकसी बरत रही है, और बीएसएफ का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि जब तक किसी के पास में लीगल वीजा नहीं हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, उनको भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है बड़ी संख्या में बांग्लादेश की तरफ से लोग सीमा पर जमा हो जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से बीएसएफ जो है उनको भारत में आने की अनुमति दे। और उसी में जो है बीएसएफ को आजकल जो है काफी पब्लिक का जो अनाउंसमेंट सिस्टम होता है उसके माध्यम से उन्हें उन लोगों को कन्विंस करना होता है, क्योंकि ये लोग घंटों घंटों जमा रहते हैं वहां पर, वो जाने की, वो इधर आने की जिद किए रहते हैं कि हमें, हमारे साथ जो है हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। लेकिन बीएसएफ के जो अधिकारी वहां पर होते हैं वो उनको साफ करते हैं कि जब तक आपके पास वीजा नहीं होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, हम आपको इधर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। और बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति आने वाले कुछ समय तक, जब तक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता है, नई सरकार वहां पर आज शाम में शपथ ग्रहण करने वाली है, और उसके बाद सरकार की तरफ से जो है जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए जाएंगे उसके बाद ही ये स्थिति सामान्य, खासकर बॉर्डर के इलाकों में सामान्य हो पाएगी। अनंत, शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तमाम डिटेलिंग के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की सतकुरा सीमा के जरिए 600 बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिशों को रोका। सीमा पर पहले से ही सुरक्षा बल चौकस हैं। घुसपैठ करने वालों ने बीएसएफ से अपील की कि उन्हें डर है कि अगर वो सीमा पार ना आए तो उन्हें मार डाला जाएगा। बीएसएफ ने उन लोगों को ये समझाया कि इस तरह से उन्हें भारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि ज्यादातर लोग तो वापस हो लिए, लेकिन कुछ उनकी तरफ से वकालत करने के लिए टिके रहे। भारत में रहने वाले लोगों ने एनडीटीवी को बताया कि जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनमें से हिंदू लोग हैं। और इस खबर पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता।
जमाती इस्लामी बांग्लादेश जिसे शेख हसीना सरकार ने बैन कर दिया था, और शेख हसीना के सरकार के शासन के दौरान सबसे बड़े जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, इन दोनों दलों के तरफ से आह्वान के बाद भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय पर आक्रमण हुआ है। इसके कारण बहुत लोगों को लगता है कि बांग्लादेश में जिन पर आक्रमण हुआ है वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आने की कोशिश करेंगे। भारत के लिए इस परिस्थिति को बहुत ही सहनशीलता से संभालना होगा और भारतीय विदेश नीति के लिए ये एक परीक्षा बन सकता है। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ और गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ, कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो बांग्लादेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं और बांग्लादेश की परिस्थितियों का असर भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात की वजह से प्याज के कारोबार पर भी असर पड़ा है। भारत से प्याज का निर्यात सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लिए होता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर के साथ मौजूद एचपी सिंह, जो सदस्य हैं इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काउंसिल के। पहला सवाल है कि प्याज के निर्यात को लेके, क्योंकि एक्सपोर्टर्स हैं वो तनाव में है, क्योंकि एक पेरिशेबल आइटम है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेड रुक गया है, कितना असर हुआ है प्याज के? अपने जैसा कहा कि प्याज का मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मैं नहीं कहूँगा कि इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी कि मैक्सिमम होता है, कि मेरे हिसाब से जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, जो कि वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट प्याज का ही होता है, लेकिन जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 14-16% नॉर्मल एक्सपोर्ट बांग्लादेश को होता है प्याज का। लेकिन कभी कभी जो है, जैसे कि क्राइसिस हुई तो उसमें एज ए स्पेशल केस अगर दिया जाता है तो दूसरे जगह घट जाता है, तो ये 20-24% में दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप ये कह रहे हैं कि जब भारत में प्याज की उपलब्धता घटती है तो सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाती है प्याज के एक्सपोर्ट पर, लेकिन बांग्लादेश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, बांग्लादेश को कंसेशंस मिलता है, तो बांग्लादेश में सप्लाई जारी रहती है, बाकी जगह दूसरे जगह थोड़ा कट करने के बाद इधर के हम ज्यादा सप्लाई करते हैं। पर अभी जो संकट है सर, मैं उसके बारे में समझना चाहता था कि बहुत सारे ओनियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनके बयान आ रहे हैं कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो वो सप्लाई करते थे, वो सब रुक गया है, पेरिशेबल आइटम है, बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, डेफिनेटली है, कभी कहीं पे भी इस तरह की क्राइसिस होती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। यही क्यों, जब अब कोरोना आया था कितना ज्यादा आपका डिस्टरबेंस हुआ, सप्लाई चेन पूरे विश्व में डिस्टर्ब हुआ। अब क्राइसिस वहां पर है तो वहां पर भी तो डिस्टर्ब तो होगा, अब उनको भी तो खाने के लिए चाहिए ना। तो अब जो आने वाली गवर्नमेंट है, दो चार दिन में वो सोचेगी क्या करना चाहिए हमको, अब भारत भी सोचेगी कि क्या करना चाहिए हमको, सप्लाई उनको देना चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, लेना चाहिए, नहीं तो हमको अल्टरनेट मार्केट देखना पड़ेगा। अल्टरनेट मार्केट में भारत में भी तो इतना बड़ा पॉपुलेशन, भारत में मार्केट का प्रॉब्लम क्या है? और सबसे बड़ी चीज़ जो है एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसलिए है कि इसको अगर स्टोर करेंगे, क्योंकि इस बार वैसे ही प्रोडक्शन प्याज का कम हुआ था, इसलिए आपने देखा कि अप्रैल के महीने में ही रिस्ट्रिक्शन होना शुरू हुआ ना। तो अब क्या है कि अब तो आया है क्राइसिस का समय, आप सब जगह देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, उधर जो है गुजरात में बारिश हो रही है, तो ये जो आने वाले फसल से हमारा सप्लाई चेन जो बनता है इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, वो तो ब्रेक होने ही वाला है, क्या इतनी बारिश हो रही है। पर एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता था कि भारत से जो प्याज का निर्यात बांग्लादेश में होता है, क्या सब कुछ व्हाइट में होता है या जो लोकल लेवल पे इनफॉर्मल इकोनॉमी के जरिए भी लेन देन होता है प्याज का? ऑथेंटिक डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हियर से ही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि जो है से बॉर्डर से यूं ही क्रॉस है, क्या कि हमारे जितने भी बांग्लादेश के बॉर्डर हैं पूरे पोरस हैं और बहुत बड़ी बॉर्डर है, चाहे उधर आप मेघालय से लेते हुए इधर चले आइए, नॉर्थ बंगाल की तरफ चलिए, तो पूरे चारों तरफ से आपके पास है। तो इसमें जो है पोरस में कभी कभी तो होता है कि जैसे कि आप, हमने देखा है कि शाम के मार्केट में बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं त्रिपुरा में, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो और रिस्ट्रिक्शन हो गया है, और मार्केट करके चले जाते थे, तो ऐसी जो बात है बेचने के लिए भी चले जाते थे उस समय में, मैं कह रहा हूँ 15-20 साल पहले की बात है। तो ये तो, लेकिन ऑथेंटिक डाटा तो मेरे पास नहीं है जी। और अब आपको एनडीटीवी इंडिया की खबर का असर दिखाते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर खबर दिखाई थी, उसका असर ये हुआ कि मध्य प्रदेश वन मुख्यालय ने एक्शन लिया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल के उपनिदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 3 महीनों में 34 बाघ मारे जा चुके हैं। एनडीटीवी के हाथ मध्य प्रदेश के वन विभाग की खास रिपोर्ट लगी है। टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 34 बाघों की मौत हो गई है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी शिकार में जो बाघों का सफाया उसमें शामिल है। चार अगस्त को एनडीटीवी ने बांधवगढ़ में बाघों के मौत की खबर दिखाई। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल हुई। आनन फानन में बांधवगढ़ और शहडोल वन परिक्षेत्र में कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। केंद्र से जांच दल आया, केंद्र सीधी निगरानी कर रहा है। जांच दल कल होके कल दिन भर वहाँ रहा, आज सुबह मुलाकात हुई, सुबह निकल गया। अनुराग जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से वन और वन्य जीवों को बचाने की समय समय पर जो भी सूचना और सुझाव देते रहेंगे उनको मैं अच्छे तरह पालन कराऊंगा। दरअसल एनडीटीवी के हाथ वन विभाग की जो रिपोर्ट लगी थी वो बताती है कि कैसे पिछले 3 सालों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में न सिर्फ 34 बाघों की मौत हुई बल्कि उसे आपसी लड़ाई बताकर ढांकने की कोशिश भी हुई। इन बाघों की मौत की जांच के लिए वन विभाग ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने घटनास्थल पर जाकर हर पहलू से जाँच की, जिसमें अवैध शिकार, बाघों के बीच आपसी झगड़ा और दूसरे कारण शामिल थे। इस जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 12, 2022 में 9, 2023 में 13 बाघों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें मनपुर बफर जोन में हुई। बाघ की मौत के 20 मामलों में POR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कई मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई। कई मामलों में पोस्टमार्टम के दौरान पशु चिकित्सक नहीं थे। मौत और हत्या में पोस्टमार्टम फोरेंसिक जांच सही तरीके से नहीं हुई। बाघों की मौत के हर मामले को आपसी लड़ाई के तौर पर दिखाया गया। अवैध शिकार के मामलों में सही जांच के प्रयास भी नहीं हुए। अवैध शिकार वाले इलाकों में कॉर्नर ऑफ के प्रयास नहीं हुए। मेरा मानना है कि वहाँ पे बांधवगढ़ में जो SIT की रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो उठाया कि वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे डायरेक्टर नहीं है, तो यही स्थिति भोपाल में भी है। यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पीछे से वाइल्ड लाइफ पर काफ़ी लंबे समय से कोई फुल टाइम नहीं पदस्थ है, तो यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है, तो यहाँ भी एक्शन हो। और बांधवगढ़ में जो भी दोषी आरोपी हैं न केवल उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो बल्कि शिकारियों के साथ साठगांठ पर उनके आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि घटनास्थलों की सुरक्षा के प्रयास अपर्याप्त थे और डॉग स्क्वाड या मेटल डिटेक्टर तक का उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा सैंपल खराब तरीके से संभाले गए, जिससे कोर्ट केस के दौरान सबूत प्रभावित हुए। कई मामलों में केस डायरी या दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। बांधवगढ़ में 100 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं। बावजूद इसके 34 बाघों की मौत हो गई, जो टाइगर स्टेट के तमगे पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। NDTV की रिपोर्ट के बाद सूत्र बताते हैं कि इस वन भवन में हलचल तेज है और जल्द ही कुछ बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए चुनाव आयोग की टीम श्रीनगर पहुंच गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ 3 चुनाव आयुक्त स्थानीय और नेशनल पार्टियों के नेताओं के साथ अहम बैठक उन्होंने की है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की टीम ने वहां पहुंचकर राजनीतिक पार्टियों से मीटिंग भी की और चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से ये वहां पहला चुनाव होगा। हर एक पार्टी ने यहां इलेक्शन कमीशन के साथ अलग अलग मीटिंग की, लेकिन मीटिंग के दौरान हर एक ने एक ही सुर में बात की, चाहे कांग्रेस हो, BJP, नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, हर एक की एक ही डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 30 सितंबर की डेडलाइन से पहले होने चाहिए। पिछले असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए थे और ये 2 इलेक्शनों के दरमियान सबसे लंबा वक्फा रहा है।
चुनाव आयोग की टीम से मिलने के बाद बीजेपी ने कहा कि वो चाहते हैं कि 30 सितंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए और साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी वापस मिल जाए। अपने 21 जून के दौरे पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे और साथ ही राज्य को उसका दर्जा भी वापस दिया जाएगा। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी वांट्स इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल नोट एंड मच सो एंड नॉनदलेस नॉट आउटसाइड द लास्ट लक्ष्मण रेखा और द लास्ट लिमिट व्हिच हैज बीन सेट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट इज 30th ऑफ सितंबर। So you want elections before 30th September? I'll improve your statement. Elections to be concluded before 30th of September 2024. कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी चुनाव आयोग के साथ मीटिंग हुई है। उनकी मांग है कि चुनाव जल्द हों और निष्पक्ष हों। कांग्रेस और एनसी का कहना है कि यहां के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई है ताकि चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा सके। For last 6 years we told them that Jammu Kashmir is without democracy. Okay. And the people have voted in the past also more than 80% in panchayat election. At present there are no ULBs, no panchayats, no assembly. So assembly elections should be held despite security scenario. In the past, in worst conditions also, elections used to be held and elections should be held. Normally, क्या होता है कि हमारे जो administration वाले हैं, जो हमारे ruling party वाले हैं, उनको ज़्यादा favour करते हैं during the campaigning and all. So we asked for a level playing field. We asked for early elections. चुनाव आयोग की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में प्रशासन के सभी आला अधिकारियों से भी मिली, साथ ही सभी 20 जिलों के SP से भी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का निर्देश दिया था। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की तय डेडलाइन तक ये चुनाव करवा पाएगा। केंद्र प्रशासित प्रदेश के चुनाव आयोग ने 45 दिन तक एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की बात कही है। साथ में वोटर लिस्ट को भी 20 अगस्त तक फाइनल किए जाने की बात चल रही है। अगर चुनाव आयोग को सुरक्षा बंदोबस्त सही लगे तो जम्मू कश्मीर में 5 से 6 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। श्रीनगर से अपने सहयोगी नसीर मसूदी के साथ नई दिल्ली से मैं नीता शर्मा NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर मौसम की मार की। राजस्थान में आजकल खूब बारिश हो रही है जिसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में पानी ने परेशानी पैदा कर दी है। करौली में रात भर बरसात हुई जिसके चलते हालात फिर से बिगड़ गए। कई कॉलोनियों में पानी भरने से आवागमन पर असर पड़ा है। हर बार बारिश से इसी तरह की समस्या खड़ी होती है लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं हो पा रहा। करौली के हालात पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सागर शर्मा। करौली शहर में मानसून मेहरबान है, वहीं सावनी तीज के बाद बीते 24 घंटे के लगातार बारिश होने के बाद शहर के मुख्य मार्ग बंद हो चुके हैं। जल भराव की समस्या यहां के लोगों को देखने को मिल रही है, लोगों के लिए आवागमन में परेशानी हो रही है। शहर में लगातार जो बारिश का दौर जारी है, इसके बात की जाए नगर परिषद प्रशासन की और जिला प्रशासन की, इससे पहले कई मानसून सत्र को लेकर के कई मीटिंगें भी आयोजित की जाती हैं, उसके बाद दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं लेकिन आज वे बेअसर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए 2016 की तो उसमें बाढ़ की लोगों के हालत देखने को मिली। यहाँ पर लोगों के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लगातार 3 दिन बिजली भी गुल रही थी। इसके चलते जिला प्रशासन नगर परिषद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त हम विधायक आवास के पास हैं, आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर में जो पानी का जो जल भराव की जो समस्या हो रही है, लोगों के लिए आवागमन में परेशान हो रही है। छात्र छात्राएं यहां से निकल रहे हैं वो यहां से नहीं निकल पा रहे हैं। पानी घुटनों तक पानी यहां भरा हुआ है, आवागमन यहां बाधित हो रहा है। शहर के जो 3 मुख्य मार्ग हैं, एक रामेशनी वाला जो मार्ग है, एक बकी खाना है और एक गादिशा मैरिज गार्डन के पास, यहाँ पर लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भी घुस चुका है लेकिन
यहाँ पर जो जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन है यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। NDTV के लिए सागर शर्मा करौली। आसमानी आफत से जैसलमेर भी जूझ रहा है। जो बरसात पहले राहत लेकर आई थी अब वही जैसलमेर के लिए आफत बन गई है। बारिश को थमे 2 दिन हो चुके हैं लेकिन जलभराव के कारण लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। केवल शहर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। मोहनगढ़ के रामपुरा में करीब 10 परिवार डर के साए में हैं। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने शहर के आसपास के इलाकों का जायजा लिया है, उनकी रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर शहीद प्रदेश भर में पिछले दिनों जमकर बारिश हुई। जैसलमेर शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। 2006 के बाद आई इस बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया और मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। बारिश बंद हुए 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं ये लापरवाही है प्रशासन की, सरकार की और उन जिम्मेदार लोगों की जिनकी जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की सुरक्षा करना। अब ये लोग पलायन कर रहे हैं, परेशान होकर बाहर पहुंचे और खेतों से अपने ही मशक्कत के बाद निकले और प्रशासन जो है उन्हें 2 टुक जवाब दे चुका है कि ये पानी अपने आप सूखेगा। तो इतना पानी सूख जाएगा क्या? यहाँ जो मवेशी रह रही है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ रहने वाले किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि किसानों के लिए काम किया जा रहा है लेकिन ये हालात देखकर, ये जमीनी स्तर की कार्यवाही देखकर लगता है कि प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। बिजली के पोल खड़े, अगर एक भी तार गिरता है तो पूरे क्षेत्र में करंट फैलेगा। मैं इस वक्त भू ग्राम पंचायत के जायण में हूँ और ये तस्वीरें जो है देखिये, मकान जो है वो पूरे के पूरे पानी पर जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। पेड़ जो लगे हैं उनके सारे लोग धीरे धीरे बाहर निकले हैं और 3 दिन से यही आलम है और बताया जा रहा है कि पानी जो है वो आगे निकलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों की हठधर्मिता के चलते कई दर्जनों लोगों की जान जो है वो खतरे में बनी हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में फिर जो है वो भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 4 दिन से अधिक बारिश होने की जो चेतावनी दी गई है, 9, 10, 11 और 12 तारीख को अगर ऐसी ही बारिश फिर आती है तो हो सकता है कि इस इलाके में आने जाने के रास्ते बंद हो जाए और जो लोग यहाँ पर अपना सामान छोड़कर गए हैं, अपने मवेशियों को छोड़कर गए हैं, उनकी स्थिति और बदतर हो जाए। अब उम्मीद है कि ये तस्वीरें देखने के बाद जिम्मेदार जागेंगे और इस पर कार्यवाही करेंगे। श्रीकांत व्यास, NDTV जैसलमेर। करते हैं जोधपुर का, जहां पिछले 3 दिनों की बरसात के बाद कई जगहों पर जल भराव हो गया है। एक तस्वीर सामने आई है चोपासनी हाउसिंग बोर्ड के सुथला स्थित मोक्ष धाम की, जहां जल भराव की वजह से अंतिम संस्कार कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष। नगर निगम ने जिस तरह के दावे किए थे कि भले ही कैसा ही मानसून हो, बरसात हो, मड पंप लगाकर लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा, लेकिन हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह है जोधपुर के सुतला स्थित शमशान घाट का क्षेत्र, जहां आप देख सकते हैं कि करीब 3 से 4 फीट तक का पानी भरा हुआ है और ये एक शमशान घाट नहीं, यहाँ सभी जातियों के अलग अलग शमशान घाट है और यहाँ पर लोगों को अंतिम शव लाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और पड़ भी रहा है। सुबह यहाँ करीब 3 अंतिम शव यात्रा आई थी जिसको लेकर लोगों को काफ़ी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पानी के अंदर से वो लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे। किस तरह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं सुबह से, अगर अंतिम संस्कार करने की अगर बात की जाए, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। यहाँ लोग बोट लेकर आ रहे हैं, शव लेकर आ रहे हैं, यहाँ से लकड़ियाँ निकालने में लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। पानी बहुत भरा था सुबह, अभी थोड़ा सा पानी कम हुआ है और ये बारिश आ रही है, इससे पानी बहुत पूरा भरा हुआ है और लकड़े ले जाने में बॉडी वालों को, जो पब्लिक आती है, सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन मड पंप लगाने के दावे कर रहा था लेकिन वो मड पंप नज़र नहीं आ रहे और ऐसे में कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की पोल खोलती ये रिपोर्ट है जिसमें बताया रहे हैं हम लोग, जिसमें हम बता रहे हैं कि किस तरह से जो है अंतिम संस्कार करने आने वाले लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अरुण हर्ष, NDTV जोधपुर। और अब काम की बात उन छात्रों के लिए जिन्होंने IIT को अपना लक्ष्य बना लिया है। ऐसे ही छात्रों के मार्गदर्शन के लिए हमने बात की है IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी से, जिन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वो किसी दबाव में तैयारी ना करें। छात्र अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाने, रैंकिंग और पैकेज के बजाय केवल अपनी तैयारी पर फोकस करें। मेरे साथ में IIT दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं रंगन बनर्जी सर हैं। सर, सबसे पहले चूंकि IIT में दाखिले को लेकर बहुत सारे जो पेरेंट्स होता है उनका सपना होता है कि उनके बच्चे
आईआईटी में दाखिला लें, आप उन पेरेंट्स को क्या सर बोलेंगे? एक सिंपल सुझाव आपका क्या रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले कई बार छात्र दब जाते हैं अभिभावकों के, पेरेंट्स के। मेरे ये मैसेज होगा पेरेंट्स को कि ये अच्छी बात है आप आईआईटी में आने चाहते हैं, हमें खुशी होगी कि आपके जो बेटा या बेटी आईआईटी दिल्ली में आ जाए। लेकिन अगर आईआईटी दिल्ली में नहीं भी आए, दूसरे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और आप छात्र पे प्रेशर दबाव मत डालिएगा, क्योंकि हमारी जो आज जो कंपटीशन है बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एक एग्जाम पे सिलेक्शन होती है, अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स को अपने बच्चे को ठीक तरह से सुझाव दे और सपोर्ट करें कि उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो वो आप पूरे करें। हमारे बच्चों को हमें समझना चाहिए, और हम ये भी बताते हैं जब भी हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं पहले साल में, एज अ डायरेक्टर मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं ये उनसे बोलता हूँ कि आप अब यहाँ पे आए हैं, आपको अभी फ्रीडम है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन आप फैमिली से कनेक्टेड रहिए। अच्छा। आप अपने पेरेंट्स और फैमिली से बात कीजिए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। अभी ये जो हमारे जो है ना, ये सोच एक फिक्स कि ये ही करना है, ये करना, तो स्टूडेंट्स को भी वो एक्सप्लोर करते हैं, वो फिर उनको समझ में आता है कि क्या है। तो ये दबाव बहुत अच्छी बात नहीं है,